कि जेन्युइनली जो है वो व्लॉग्स बनाने का मौका नहीं मिला, रात को लेट आ रहा है आना हो रहा है मेरा, एंड देन सेट पे बहुत सारी हेक्टिक चीज़ें चल रही थी, एंड देन वाह 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 माशाल्लाह आपके बीच में क्या ही बातें, सब कुछ लोग ऐसे पका रहे थे तो मेरा और इंटरेस्ट खत्म हो गया था। मैं कहता अभी मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, मेरे को एक फोटो भी नहीं पोस्ट करनी है अभी, ठीक करो जो करना है। तो फिलहाल आज जो है मेरी है नाइट शिफ्ट है और प्लस थोड़े से मुझे हेयरकट जो है वो करने हैं, तो अच्छे लग रहे हैं। देखो इस बार मैं बोल रही हूँ भाई, माशाल्लाह बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, मत काटो। नहीं पर थोड़े से इस बार मैं बोल रही हूँ, देखो बाल मत काटो, बहुत अच्छे। दीपिका शेब ने हमेशा बेटी खाला को इज्जत दी है और उसके बाद बेटी खाला ने भी दोनों मियाँ बीबी को बहुत ज़्यादा इज्जत दी, क्योंकि कहते हैं ना कि इज्जत दें तो इज्जत लाजमी मिलती है। तो बेटी खाला ने जब इब्राहिम फैमिली की बात की है तो बहुत अच्छे अल्फाज में की है, और सम टाइम तो ऐसा भी हो जाता है कि बेटी खाला इतनी तारीफ करती हैं कि दीपिका जो है ना वो लाजवाब हो जाती हैं। और पोल क्या खोलनी है, पोल तो उन लोगों की खुद ब खुद अल्लाह ताला खोल देते हैं जो झूठे इंसान होते हैं। हमने तो यही देखा है कि दीपिका हो, अम्मी हो, मतलब अपने कामों में, अपने नमाज रोज़े में मशगूल रहती हैं, उन्हें कोई शौक़ नहीं ब्लॉगिंग करने का, और अल्लाह ताला उन्हें खुश भी रखे।